अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैर वाकिफ से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ शवरमा इन हैदराबादी स्टाइल। ये शवरमा हैदराबाद के मल्लेपल्ली का बहुत ही फेमस शवरमा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डालें। 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन के छोटे से पीसेस बना लें। चिकन के पीसेस को 5 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालें। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर एक्स्ट्रा ऐड कर लें। अब चिकन को 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। अब चिकन का पानी ड्राई होने तक इसे पकने दें। चिकन ड्राई हो चुका है, अब इसे एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें चॉप किए हुए 2 कुकम्बर डालें। अब इसमें एक बाउल चॉप किया हुआ सलाद का पत्ता या फिर कैबेज डालें। एक छोटा सा टमाटर चॉप किया हुआ डालें। 5 टेबलस्पून मेयोनीज डालें। 2 टीस्पून टोमेटो केचप डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। शवरमे की फिलिंग रेडी है। अब एक पैन पर 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। अब एक समोली लें और इसके 2 साइड्स को अच्छे से टोस्ट करें। अब इस समोली को दरमियान से स्लिट कर लें। समोली को चिकन के स्टफिंग से फिल कर दें। अब इसे हल्के से प्रेस कर दें। अगर आप चाहें तो दोबारा इसे पैन पर गरम कर सकते हैं। समोली को 2 पीसेस में कट कर लें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं। शवरमा इन हैदराबादी स्टाइल यानी मल्लेपल्ली का शवरमा सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मासलामा।